हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो यार, आरआरबी क्लर्क प्री रिजल्ट 2021 का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। अभी अभी जस्ट उसकी जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दी गई है। अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स चेक नहीं किए हैं तो जाइए मार्क्स चेक कर लीजिए। और जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है, मतलब लास्ट ईयर से 10 नंबर तक जो है हाई कट ऑफ देखने को मिल रही है। मैं अभी आपको जो है अपना स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में। यार मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, बहुत ही ज़्यादा। आपके कितने मार्क्स आए हैं, किस स्टेट से भरा था, आपने क्वालिफाई किया है नहीं किया है, क्या आपने अटेम्प्ट किए थे, कितने आपके मार्क्स मिले हैं आपको, पूरा कुछ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, जिसके माध्यम से हम आपको एक एनालिसिस करके बता सकें कि कितने जो है कट ऑफ देखने को मिला है, कितना कितना हाई कट ऑफ रहा है। चलिए मैं आपको मेरी स्टेट एमपी का जो है कट ऑफ दिखा देता हूँ कितना गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा स्कोर कार्ड है। ठीक है, ये मेरा नाम दिख रहा होगा आपको, ये मेरा नाम है। डेट देख लीजिए, 14 अगस्त को मैंने दिया था। ठीक है, एससी से दिया हूँ, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए मैं आपको मार्क्स दिखा देता हूँ अपने। तो देखिए आपको जैसे कि मार्क्स दिख रहे होंगे, ठीक है, दोनों में ही मुझे 35.25 मिले हुए हैं 40 में से, और मेरे जो टोटल हो रहे हैं वो 17.50 हैं, और जबकि मुझे 70 नंबर जो है देखने को मिले, यानी कि मैं 0.50 जो है मार्क्स से ही किस क्वालिफाई हुआ हूँ। यानी कि यार कट ऑफ बहुत आई है, और लास्ट ईयर जो हमारी कट ऑफ गई थी जो एस सी कैटेगरी है उसकी 61.25 देखने को मिली थी। तो लास्ट ईयर से देखिए, मतलब सीधे 10 नंबर तक प्लस हो गई है यहाँ पर कट ऑफ। जनरल की जो है हमारे स्टेट से गई है, एमपी से वो गई है। तो देखिए, जनरल की जो आपको कट ऑफ दिख रही होगी वो 73.75 गई है हमारे स्टेट से, यानी कि एमपी से, और एससी की मैंने आपको दिखा ही दी है 70.50 गई है। ठीक है ना, तो दो कट ऑफ मैंने आपको दिखा चुका हूँ। कट ऑफ यार बहुत ही ज़्यादा हाई गई है, लास्ट ईयर से 10-10 नंबर जो है ज़्यादा गई हुई है उसमें, प्लस 10 से मतलब 10 से 9 या 10 नंबर जो है प्लस देखने को आपको मिल रहा है उधर पे, जो भी कट ऑफ रही है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रही है आप बताइएगा, आप क्वालिफाई करें हैं नहीं करें हैं वो बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं करें हैं तो उसके लिए भी मतलब आपको होप नहीं आ रही है, आगे बहुत से एग्जाम आने बाकी हैं, तो उसमें लग जाइए बिल्कुल यार। ठीक है ना, अभी और भी एग्जाम है। ठीक है, तो यही था वीडियो में, अपने मार्क्स जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और जिनका हो गया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं हुआ है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और मेरी तरफ से यही आशा रहेगी कि आप अपनी जो मेहनत है उसे निरंतर करते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।